रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है, खराब कहां से लग रहा है इसको मेकअप? मैं ओ पता भी नहीं चल रहा है भाई मेरी बा, अब तेरे अगर स्किन ड्राई है उस पे इतना मॉइस्चराइजर लगा दिया इतना, उसके बाद ही करो तू पाउडर यूज कर लेती तेरी पता चल रहा है तेरी आंखों के नीचे कुछ भी, तुझे ही लग रहा है? तेरे को एक चीज बताऊंगा, अगर तू बाहर चली गई ना फ्लिप फ्लिप मिस्टर ले जाएंगे तो रोशनी स्मार्ट दिखेगी। ए बार आंखों ना खोल दोस्तों, ये ना चार बार मेकअप करा चुकी है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे को ना लग रहा है? अगर ये तुझे बेकार लग रहा है तो ना तू एक काम कर, जाके मुंह धो यार। ठीक है, दो चुकी है एक बार तो। गाइस लेट हो गई बहुत ज्यादा, मेरे फ्रेंड्स को कॉल आ रहा है, फ्रेंड इसका खुशी का कॉल आ रहा था, किसी खुशी का भाई मैंने बात कर ली तो उससे थोड़ी सी गुदी मम्मी की जैसी लग रही है ना, मम्मी की जैसी लग रही है। इसको तैयार करना मतलब पता है क्या होता है, खांडे की उसमें हाथ देना, मैं इसको छोड़ जाता हूं, बहुत दिक्कत है। अरे तू कहीं नहीं जाएगा भाई, लेट और लड़की एक तुमने लेट कर दिया, मैं कोई बात नहीं गाइस, आज मैं भोला वाला बच्चा बनाऊं। आप सही लग रहा है, है नहीं चंदन लोमड़ी इसीलिए मैं फ्रेंड्स की पालती नहीं हूँ। हमारे फ्रेंड्स ने पजामे में कच्चे में कैसे पहन के बताओ, कैसे बस आ जाओ तुम, मैं वही सोच रहा हूँ फ्रेंड्स के पास तो जा रही है, इतना क्या वो रेडी होना जिसमें भी चार बार देख रही है, रेडी हुई अगली मैं तो ऐसा पाऊंगी ना यहाँ से, तो रात को रेडी होना चालू जाएगा तू तो एक दिन पहले हाथ कटवा ली, हाथ कटवा ली कैसे? रेजर से कर रही थी, कटा तो होता नहीं है यार, लंबी लगूंगी मैं भाई, ये महीने में एक आध दिन तो रेडी होती है भाई, समझो यार अभी करना पड़ेगा। वो फोन बज जा रहा है इसका, देखो दमा दो, रेडी हो गई जा निकल जा, खुश का फोन आ गया। अच्छा आई वॉच है, इकलौती इसी के पास आई वॉच है हमारे पूरे ग्रुप में, हाथ में देख लेती किसका फोन आया है, झूठ बोल रही है अपनी फ्रेंड को देख, और बीच में चिल्लाए सब, खुशी देख लेना ब्लॉग में मैं लिंक भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे, दूर जाऊंगी फिर। हाँ खुशी निकल गई बस, झूठ बोल रही है, झूठी है, झूठी झूठी झूठी। अरे रुक रुक, इधर 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 आ, हां बस तुम कहां पे हो? आ गई खुशी, बस आ गई, निकल गई, नीचे खड़ी हूं, ये तो पीछे चिल्ला रहा है मेरे दोस्त, झूठी झूठी यार, मेरी फ्रेंड मेरे को डांट रही बहुत तेज। गाइस ये रेडी हो चुकी है, बड़ी मुश्किलों से भगवान की कृपा से 3 घंटे में रेडी हुई है, चल निकल जा। देखो ये लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, और अगर तूने आके मेरी जान खाई कैसे, और क्या होगी इसमें, शेयर योर लाइव लोकेशन 8 घंटे, ठीक है 8 घंटे तक तेरे पर लाइव लोकेशन। जी बता रहा हूँ मैं, मतलब उसको 5 साल से देख रहा हूँ शहर से, पूरे महीने शांत रहेगी, अपना काम करती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये रेडी हो रही है ओहो हो हड़कंप आ जाता है पूरे घर के अंदर, 5 बार मुंह धो लेगी, 6 बार ड्रेस चेंज कर लेगी, चिल्लाएगी कर लेगी, एक आध दो चोट लगा लेगी खुद के, तैयार होने में भगवान जाने भाई साहब, मतलब अलग ही उधम है जरा सा छोटा सा, इतना सा मुंह है इतना सा शरीर है, कुछ बोल और नहीं सकते, चिल्लाती बहुत तेज। हां करू, मेरा ही होगा, मेरा ही होगा, अमेज़न है ना, मेरा ही होगा, सूरज नाम से है। हाँ तो इसके अकाउंट से मंगाती हूँ, जब भी खोल के देख लेती हूँ, यही इसी इसी ब्लॉग में क्या है, क्या है अभी पता चलेगा। वो तेरा नायका वाला वो तो दिखाती तू यार पूरा पार्सल, ये क्या है पार्सल, कवर कैसे लाया तूने? ये तो मेरी लैशेज आई है। अच्छा यार दोस्तों आप लोग को एक चीज बोल रहा था मैं यार, आगे के मतलब 1-1.5 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि 2 कोलैबोरेशंस वगैरह आए, तो प्लीज देख लेना यार, थोड़ा बहुत कोलैबोरेशंस वगैरह बीच हम लोग कभी कभार ही करते हैं, तो प्लीज देख लीजिएगा, मे बी हो सकता है उस दिन ब्लॉग की जगह वो कोलैबोरेशन वाला ब्लॉग ही आए। एग्जैक्टली सो, और हम हमेशा ऐसा कोलैबोरेशन करते हैं जिसमें एक्चुअली आपका फायदा और एक अच्छा और क्रेडिबल ब्रांड हो, यस वरना हम नहीं करते। हाँ और आपको वैसे पता है ब्रांड्स तो वैसे मैं 2-3 महीने में 1-2 ही करता हूँ, ज्यादा करता नहीं हूँ, तो वो 1-2 होंगे तो मैंने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो देख लीजिएगा प्लीज, हो सकता है क्या आपके काम का भी हो सके उसमें कुछ। दोस्तों अभी भी पता है मैंने क्या रील देखी, गुलमर्ग में हो रही है स्नोफॉल, तो जो लोग लाइक हम लोग तो नहीं देख पाए, लेकिन अभी जो लोग प्लान बना सकते हो बना लो, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, और मतलब आज स्नोफॉल हुई है ना तो वहाँ पे इतनी स्नोफॉल हो जाती है अगले 10 दिन तक अच्छी बर्फ रहती है, तो वेदर चेक कर लो, क्या पता अब शुरू ही हो गई है तो 2-5-7 दिन 8-10 दिन कितनी बार स्नोफॉल हो सकती है वहां पर, तो जो भी लोग कश्मीर का ट्रिप बनाना चाहते हैं बना लो गाइस। और हाँ हमारे कश्मीर ब्लॉग्स में आपको टूर्स ट्रेवल्स वालों का डिटेल्स मिल जाएगा, अगर उनके साथ भी आप अपना ट्रैवल या वो और अच्छा आइडिया दे देंगे आपको, उनसे बात करके आप लोग ट्रैवल बना सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि कश्मीर का मजा लेके आओ आप लोग, हम तो मिस कर चुके हैं बर्फ वाला। बड़े दिनों बाद टेरिस पे आया, यहाँ पर देखो क्या सीन हो गया है, टेरिस की जो टाइल्स होती है ना उनमें कभी कभार एयर ले लेती है ये, जिसकी वजह से टाइल्स टूट जाती है, ये देखो सबके सब उठ गई इधर वाली लाइन, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यहाँ तक ही देखो ऐसा स्लोप बन गया पूरा, ये फ्लैट आ रहा है और यहाँ पर स्लोप बन गया यहाँ तक, ये सही करवानी पड़ेंगी नहीं टूट जाएंगी, आधी आधी टूट चुकी है ऑलरेडी, ये पूरी की पूरी लाइन खराब हो गई, ये टाइल्स एयर ले ली थी कभी कभार उसकी वजह से ये हो जाता है, मैंने नीचे भेज तो दिया है
ठीक करवाने के लिए वीडियो भेज दिया इसका, हो जाएगा मे बी जल्दी सही। और फाइनली जो नेट वाले भैया नेट लगा के गए थे वो पिछले वाले से बहुत ज्यादा बेटर है, काम कर रहा है एकदम फिक्स है, कहीं से टूटा नहीं ना कबूतरों ने जगह निकाली कहीं से कि कहीं से घुस जाए अंदर, बिल्कुल परफेक्ट है। दोपहर में मैं ऊपर छत पे खड़ा हूँ, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज, वापस से सर्दी ज्यादा बढ़ चुकी है, पूरे में फॉग हो रखा है दोपहर के टाइम। अच्छा एक दिन कमेंट पढ़ रहा था, मैं रिप्लाई करना भूल गया उसको, कि कुछ लोग पूछे थे आपकी फुटबॉल लीग का क्या हुआ, एक्चुअल में फुटबॉल लीग हो चुकी है कैंसिल, हमें बोला गया था कि पहले हो रही है देन वो दिसंबर में शिफ्ट हुई, सब प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरी खुद की फुटबॉल प्रैक्टिस लिए छूटी गई, उन्होंने बोला कि कैंसिल हो गया, जब कैंसिल होगी तो फिर मैं सोचा कि अपना काम वगैरह में लगता हूँ, फुटबॉल प्रैक्टिस फिर बाद में करी जाएगी, अगर फुटबॉल लीग ही नहीं हो रही तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस करके फायदा भी क्या, एक्सरसाइज वगैरह ही करनी तो जिम वगैरह हो जाएगा। वैसे फुटबॉल अच्छी चीज थी, बहुत जल्दी बॉडी में चेंजेस दिख रहे थे उसकी वजह से, लेकिन फिर भी उसके लिए जो टाइमिंग चाहिए होता था उस टाइमिंग में मैं ऑलमोस्ट हर टाइम कुछ ना कुछ काम कर रहा होता था, इसलिए मैंने देखा कि अब चीजें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिम क्या है रात को भी चले जाते, फुटबॉल की टाइमिंग होती है 5 बजे से 6:30 बजे समथिंग, या 4:30 से 6 बजे के बीच में ऐसे, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, अंधेरा होते फुटबॉल बंद कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब छोड़ते हैं, जब लीग ही नहीं हो रही तो फिर प्रैक्टिस करें क्या करेंगे, इसकी जगह एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे। अब जिम वगैरह जाते हैं तो किसी भी टाइम चले जाते हैं, लेकिन सही बता रहा हूँ फुटबॉल की जितनी तेज जो मेरे अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस दिख रहे थे ना एक्सरसाइज वगैरह से, जिम से नहीं दिखते तेज मेरे। और वैसे दोस्तों वापस से बाकी लोग सब चले गए हैं, यशी को वीडियो शूट करनी थी और मी को अपने पार्टी में चलेगी और मुझे वापस अकेला छोड़ गए फ्लैट पे, और यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा मुझे करनी है, तो ऑलरेडी मैं भोग वगैरह लगा चुका हूँ। वैसे बाहर लाइटिंग जो हमने दिवाली पे लगाई, दिवाली सॉरी 22 जनवरी को लगाई थी, वो भैया अभी तक नहीं हटा कर गए हैं, पता नहीं कि उनको वापस चाहिए नहीं चाहिए लाइटें, क्या सीन है। और इसका क्या जो स्विच है ना 24 आवर ऑन रहता है, इसका कोई स्विच नहीं है, सिर्फ एक प्लग में लगा के जाते हैं ऊपर, जिसका कोई बंद चालू करने का बटन नहीं है, तो 24 आवर दिन में भी रात को भी जल्दी रहती है। अभी शायद बिल्डिंग के अंदर इकलौती हमारी फ्लैट है जिसके अंदर बाहर से लाइटिंग दिखती है, कुछ हो रहा होगा इनके घर पे। देखो बाहर की लाइटिंग देखो, कुछ जलती हुई भी दिख रही होगी। फिलहाल बैठे बैठे मैं बस सीरीज देख रहा हूँ, क्या करें बैठे बैठे। आज मैं भालू और रितेश भैया निकले एक मिशन पे, तो हमने ना मतलब मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, वैसे मैंने काफी दुकान पे वैसे भी देखा हुआ है, पुलमी अप केक जो है ना जो शिल्पा शेट्टी ने बहुत वायरल किया था, तो मेरे को आज वो देखना था यार, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा। हमने एक लोकेशन डाली बेकिंग को करके है जयपुर में, बट यार जहाँ वो दिखा रहा है लोकेशन वहां पर तो वो दुकान ही नहीं है, वो शॉप ही नहीं है, तो फिर क्या करें। अब हम लोग जा रहे हैं सिटी, और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक अजूबा, और लिटिल अजूबा बोलेंगे उसको, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखी होंगी उसकी वीडियो। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ भी करना कुछ भी जयपुर की सिटी में ना आना भाई, यहाँ इतना ट्रैफिक है भाई, इतना ट्रैफिक है और हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे, ना हमें पुल में अब केक मिल रहा, ना हमें हमारा वो पकौड़ी वाला, बेसिकली मैं वो उस पकौड़ी वाले के जा रही हूँ जो उसे हाथ से तेल में से निकालता है पकौड़ी अपने हाथ से गरम तेल से, यार मुझे डेंटिस्ट के भी जाना है, क्योंकि मेरे जो दांत के पीछे जो तार रहता है ना रिटेनर की तरह वो निकल गया है। देखो देखो आपको हालत दिखाती हूँ, ये दुखी और ये ट्रैफिक, दुख का कारण दुखी। देखो मैं तो उतर के ई रिक्शा पकड़ के अपने घर जा रहा हूँ, देख लेना ऐसा ई रिक्शा वाले मुझे छोड़ दे, 20-50 रूपए ले ले तू, पर मुझे फ्लैट छोड़ दे हमारे, हम लोग आ चुके हैं कृष्णा पकौड़ी वाले भैया के, और ये भैया नाटक कर रहे निकाल नहीं रहे भैया, आपको हमारा पता नहीं स्ट्रगल कितना भयंकर स्ट्रगल है आज। भैया पहले हाथ दिखाओ अपने, देखो गाइस भैया के हाथ लोखंडी हाथ, देखो एकदम बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ऐसे कटे और जले हुए नहीं है। अब देखना भैया कैसे उगलते उगलते इसमें डालेंगे, ठीक है सीन है यार। भैया आपके तो हाथ नॉर्मल ही है। भाई साहब क्या खाते हो आप, सच से बता दो कैसे कैसे, मतलब आपने चालू की चीज से काम कर रहे थी, आदत सी हो गई। आदत सी, ये कौन सी आदत होती है। अच्छा ओके बालाजी महाराज, क्या बात है, ये पकौड़ी के पकौड़ा है, लो भैया अभी करेंगे। ओ भाई इतना भयंकर गरम पानी डाला भैया ने, अभी भयंकर चीज है यार, फुल गरम है, फुल गरम है। 60-65 साल तो आप 30 साल के लगते हो हमें। अच्छा 39, वाह यार। पर वो क्या आग में घी डालते ना, मतलब आग में हाथ डालते हैं, तो गाइस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे प्रोग्राम, अभी तो सिर्फ डाल रहे हैं। हाँ ये देखो उगलता उगलता यार, 240 रूपए किलो, और ऐसे वैसे भी लेने आते ना, मसाला कच्चा 160 रूपए किलो, 160 रूपए कच्चा मसाला, सही भाई इतना उगलता, इसमें हाथ दे दोगे बाप। भैया को तो ये भी डर नहीं है अगर ऐसे छीट ही हो जाए, कोई मतलब ये लो भाई इधर, ये एक बार वापस, अरे भाई साहब वाह यार, अरे निकाल लिए भाई, बैंकर आदमी तो कुछ भी नहीं होता। ये लो गाइस ये लो, अरे भाई साहब
गाइस मैं वहाँ पे खड़ी थी, मुझसे खड़ा भी नहीं रहा गया क्योंकि ये जो स्टोव है ना इसका धूप मतलब धुआं नहीं गर्माहट आ रही है आंखों पे, मैं वहाँ नहीं खड़ी हो पा रही और भैया कैसे आते हैं। और देखना मैं भी यहाँ पे मेरे इसलिए इधर आया हूँ कि हाँ बहुत जून जुलाई में भी ऐसे हाथ देके निकालते हैं। सोच गाइस इन्होंने दो भगोने तो भेज दिए सुबह से, अब तीसरे की बारी है, तीसरा ये रहा, चौथा अंदर पड़ा है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? भैया कैसी लगी? गॉड मास्टर एकदम जैसे। थैंक यू भैया, मम्मी बनाती ना ऐसी तगड़ी। गाइस एक बार आके सब लोग ट्राई जरूर करना जब भी आप जयपुर आओ, ये किशन पकौड़ी वाले, ये एड्रेस भी नीचे है, सुभाष चौक जयपुर, बहुत अच्छी है, बहुत यम्मी है। भाई देखो वो तो एक टैलेंट वाली चीज तो आई, बट खाने में भी क्या बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मजा आ गया खाके। मुझे मतलब याद आ गया मम्मी की जो सकरात वाली पकौड़ियाँ होती थी ना, बिल्कुल वैसी डिश वाली, बहुत अच्छी है। गाइस हमारी गाड़ी वो जा रही है आगे, हम लोग उतर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक था, पता नहीं गाड़ी के पर लग गए उड़ गए। अरे गाड़ी आगे खाली है ट्रैफिक। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं साउथ साउथ चाय वाले के, क्योंकि वहाँ पे कल नरेंद्र मोदी जी आए थे, आज दीदी को चाय पीनी है। अरे वो गाड़ी गई तो गाइस वो रही साहू चाय वाले की, जहाँ पे मोदी जी ने मतलब मोदी जी बेसिकली हवा महल के वहाँ बैठे थे, चाय यहाँ से गई थी और प्रॉपर साहू का पूरा वो चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, तो हम लोग वही चाय लेकर आए। इनका बन मसाला भी फेमस है, वो भी लाया और फैन भी लाया, तो एक नंबर है। चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाय, चाय बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। मैंने अभी चाय टेस्ट करके दी, मैं चाय नहीं पीती बट मुझे बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया ना चाय पी के। अब हम समझ गए मोदी जी यही क्यों आए थे, यहाँ की चाय क्यों पी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और नरेंद्र मोदी जी आसपास भी जो शॉप्स थी उन पर भी बैठे थे, वो भी फेमस हो गए भयंकर भाई। इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर तो नरेंद्र मोदी जी को ही मिलेगा। मीकू और टीबू भैया, अरे बैठे रहो ना, मीकू और टीबू भैया दोनों ही आ गए। प्लीज यार चल खत्म उधर, शेमड़ी दिखाना मेकअप, दिखाना तेरा भाई एकदम इंटैक्ट है, क्या दिक्कत है मेकअप के अंदर? देखो नाटक देखो, इसके नाटक देखो, चुप हो जाओ ना, तो केक ही हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मेरे को क्या बोलते, कौन ले तू? मार्केट से 8,000 रुपए में कराए ना तू। देखो फिर होठ खा रही है पागल। इधर 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 क्या बोली तेरी दोस्त, क्या लग रही है तू बता ना पागल, बता 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 झूठी। पता क्या बोलती मुझे, मेरी फ्रेंड्स कह रही थी मैं अनन्या पांडे लग रही हूँ, और भाई जाते वक्त से जो हमारी जान खाई है ना हमको नचा दिया भाई। अरे मेरे दोस्तों तुम लोग करो सॉरी, एक साथ इसकी दोस्त बोलती है जिसको तू अनन्या पांडे लग रही है। और तू सुन इससे अपने आज कितनी जान खाई है। हाँ और बोल रही की अच्छी नहीं लग रही, बताओ यार। वो मैं दूसरों को अच्छी लग रही थी ना, तो खुद को अच्छी लगने के लिए तू एक काम कर, सर्जरी करा ले मुंह की। करे पार्टी ओ, तू तो 4 बजे आने वाली थी भाई, 4 बजे आने वाली थी, मेरी फ्रेंड खुद 4:30 बजे तो क्या हो गया, पी लो कोई दिक्कत नहीं है क्या? पी रहे हो? अरे टीबू का पेट क्या बाहर आ रहा था, तो टीबू बोले कि यार दीदी आ रहा है क्या करूँ, फिर मैंने कहा आपको गैस है, बोले पता नहीं, फिर मैंने कहा पेट चेक किया, मैंने कहा पियो, पेट दबाने से पता चलता कि गैस है, नहीं है गैस, पूरी गैस है, इसमें सिलेंडर भर दे हमारा। क्या हो गया तेरे घुटना से, एक कर भाई यार तेज जी परेशान हो गए यार। लेकिन सूरज आ रहे थे कहां के, नरेंद्र मोदी जी जो चाय पी तो सौ वाले की बात आ गई भाई, वहां बनमस्का गया था मैंने सुबह 6 बजे टीपू के साथ, हम भी आ गए बनमस्का, इतना टेस्टी मतलब उस साउ चाय पे सही में, एक तो वो खा लो। अरे तू चाय पी, तू चाय पी, मैंने चाय बहुत प्यारी, 3-3 चाय पी जाता हूँ मैं एक साथ वहाँ पर, लेकिन क्या वो सिटी के अंदर है, वो सिटी में जाना मेरे लिए अलग भाई, हम लोग सब पूछ हम कैसे गए, ब्रांच ना अपने राजा पार्क में भी है। हाँ हमने भी है, तो सुन बिल्कुल जब तक मैं चाय पी ना राजा पार्क चल जाए, टीपू बैग भी ले आना, यही बोलना चाहते हैं ना, साउथ हमारे यहाँ पास में भी है। अरे तू सूरज मेरा ये जो अभी आ रहा है ना अक्कल डाड़, फ्रेंचाइजी तू भी ले सकता है, ये जो मेरी अक्कल डाड़ आ रही है ना, डॉक्टर ने बोले आपका तो बहुत मामला टाइट है, आपके ऊपर भी आ रही है नीचे भी आ रही है, इसकी वजह से आपके दांत हिल रहे। अरे बाप रे, इसका दांत ही खत्म नहीं हो पा रहा भाई, और मेरे को बोले दर्द हो रहा है, मैंने कहा डॉक्टर पूछा आज बहुत दर्द हो रहा है, बोले इसको क्लीन रखना और वैसे ध्यान रखना, किसी किसी को 29 इयर्स तक भी आती है, क्या पता आपके इसी 6 महीने में खत्म हो जाए, भगवान जाने इसका। तो क्या क्या होती है अक्कल डाड़, क्या मुंह धोले सुबह से 4 बार तो धोले, देख के भी काली लग रही ना, क्या बात कर रहे हो, इसने काजल हटा लिया अपना मुंह, आगे कलर बदल गया यार, अब सुबह से शाम हो गई तो अच्छा, किसी की अक्कल डाड़ देखनी नहीं होती भाई, फैक्ट सुनो फैक्ट भाई, तो फैक्ट है ये, ना देखो ना छुओ, दोनों ने गाना बनाया है एल्बम में 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, चलो अपने तो ऑडियंस पे चलते हैं। अरे बता देते भाई पागल, धंधा यहीं से स्टार्ट होगा।
पैर सीधे करो सीधा प्रमोशन तो हमसे कराएगा गाने का वो भाई धंधा यहीं से स्टार्ट है थोड़ा लाइव चल रहा है आजा लाइव गाना वायरल जाएगा तो अरे जल्दी स्टार्ट कर यार टक 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 3 2 1 हम तुम नहीं नहीं सॉरी 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 3 2 1 हल्के से हम चले कहाँ हम गए एक नगरी में सुनो नगरी में आया पान पान ने ली इसकी तुम्हारे लिए ना एक चीज बोलना चाहूंगा एस टेस्ट कराओ नहीं चलेगा तुम्हारा ये एस टेस्ट कराओ और यहाँ से जाओ अभी हमने गाना लिखा है अभी 50% हो गया बस 50% तो छोड़ दे भगवान पे छोड़ दे 50% ये साऊ वाले का पान सूरज भाई अपने ना ये जो समाज के ग्रुप में जमा कर रहा है पब्लिसिटी हितेश जी के लिए लाए हितेश जी साऊ पान भी देता है उसके जस्ट पास में है पान की शॉप के सारी फ्रेंचाइजी अच्छा साऊ के तो वो है ना पिन से लेकर एरोप्लेन हां अभी बस यही बाकी रह गई कि एरोप्लेन पे साऊ लिखा हुआ है साऊ एयरलाइंस बाकी बिजनेस लीक कर दिया आपने अभी पूरे समाज के ग्रुप पे जाएगा देखना है ना उस पे बहुत सारे लोग हैं हजारों लोग हैं इनके हजारों लोग हैं फिर ना सब फंडिंग लेके एक साऊ लॉन्च कर देंगे प्लेन आपको रहना है फ्लैट पर क्योंकि हम जा रहे हैं मूवी तो आप तो मजे से रहोगे आपको तो मिठाइयां खाने को मिलती है मेरे को तो चाहिए मीठा यार दोस्तों कश्मीर मनाली सब जगह स्नोफॉल चालू हो गई टीपू दोनों जगह चालू हो गई स्नोफॉल तो यार अब अपन यहाँ गए तो होगी नहीं क्या वहाँ पे बिना चलो डबल होगी साथ चलो जो बेचारे वहाँ खड़े वो भी रोजेंगे उसके बिना भी गए थे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए मतलब अपन को जाना चाहिए हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे दोस्तों देखो मॉल कितना प्यारा सजा हुआ है आज जय हिंद दोस्तों जस्ट अभी मूवी देखकर आए हैं और हमें इतना मजा आया ना कि क्या बोलूं मतलब फाइटर मूवी हॉल खाली पड़ा हुआ था क्योंकि अभी तक हाइप नहीं बनी इस मूवी की मतलब हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं क्यों हाइप नहीं बन रही है क्या अच्छी मूवी नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है लेकिन मूवी भाई साहब शुरू से लेकर एंड तक लाजवाब मूवी मतलब ये मूवी तो आपको मिस ही नहीं करनी चाहिए सही बता रहा हूँ मतलब मजा आ जाएगा अगर कोई ये कहते कि मैंने सजेस्ट करी और मूवी अच्छी नहीं हो ये वाली तो यार आप मतलब क्या ही बोलूं मैं मतलब 101% बिना सोचे समझे जा सकते बस एक ही दुख था कि हॉल खाली पड़ा हुआ था मैं भी सोचा मैंने कहा मूवी अच्छी नहीं होगी हॉल खाली देख के मैंने कहा यार भाई साहब यहाँ तो आज का मूड खराब ना हो जाए मूवी देख के क्योंकि सिर्फ दो रिक्लाइनर ऊपर की दो सीटें भरी हुई थी बाकी सब खाली लेकिन क्या मूवी थी लाजवाब मजा आ गया मतलब आंसू भी आ जाएंगे जोश भी भर जाएगा फुल ऑन मजा आ जाएगा